भाई हिसार में देसी टार्जन पहुंच गए हैं और ये देख लो भाई देसी टार्जन की फुर्ती देख लो। यो वह सपाटा मशीन है जिसने 10 घंटे कॉन्टिन्यूसली जो है सपाटे मार के 8100 सपाटे मार के वर्ल्ड रिकॉर्ड अपना नाम बनाया है और आज हिसार में पहुंच गए हैं। फिलहाल स्टेडियम में खड़े हैं ताकि भाई जो बालक है ना उनने भी मोटिवेशन मिल सके, जो आजकल नशे की लत में जो हमारा युवा पड़ गया है उनने उस कार्ड का एक बढ़िया मोटिवेशन दे इसका। और यह है सपाटा मशीन जो है आज आड़े पहुंच गया है। और भाई खास तौर पे बता दूं कि चैलेंज दिया है सारे जितने भी हरियाणा में या पूरे हिंदुस्तान में या पूरी दुनिया के अंदर कोई भी जो भाई का लाल है आओ चैलेंज करो और जीत के दिखाओ। बहुत बड़ा चैलेंज है, ताली बजा लो फटाफट से। और भाई गौ माता का बहुत बड़ा भगत, नुक्कड़ वाला भगत नहीं है, हकीकत वाला भगत है। गौमूत्र पीना, सीधा गौमूत्र पीना, गोबर तक स्नान करना। आप ही मजाक उड़ा दे हमारे गो गोबर ना है तो कोई हो है। इस भाई का कहना है भाई उसका बड़ा कोई स्किन ट्रीटमेंट नहीं है। और भाई वीडियो भी दिखाऊंगी लेकिन उससे पहले भाई हमारे जो है वो कर्मो आड़े पहुंच रहे हैं, इनसे बातचीत करांगे। सबसे पहले यूं बताओ आजकल युवा जो है एक नई बड़ी आदत पकड़ने लग रहे, क्या कहोगे अंकिता जी इस आदमी के बारे में, इस शख्स के बारे में? जितना मैं कहूँ नहीं, देसी टार्जन के बारे में दुनिया का इकलौता ऐसा इंसान है, कैमरा दिखा दो, जो सीधा गोमूत्र गोमूत्र डाइजेस्ट कर लेता है। देखो ये चलेगी, ये देखो इसके बाद आप देखोगे तस्वीर में तो गोमूत्र नहीं जो सीधा पीछे है ये देखो भाई, इस हाँ। कुकर कौन? अच्छा एक चीज जरूर अपील करांगे दर्शकों से, आप इस तरह का एक्सपेरिमेंट करा ना करियो क्योंकि ये एक्सपर्ट है इस चीज का। हाँ। और इसने अपने लीवर को लोहे जैसा लीवर बना लिया, ये डाइजेस्ट कर सके। हाँ। और सबसे बड़ी बात ये है इसने 8100 सपाटे लाइव लगाए हैं, लाइव लगाए, ये अभी तक का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। हाँ। और ब्रोक लेसनर को और जैक स्वरूप ये टाइगर स्वरूप को इसने चुनौती दी है। भाई जिस तरह टाइगर स्वरूप कहते ना भाई बहुत ज्यादा फिटनेस बॉय हूँ मैं, तो ये 25 साल का है, 16 साल से जंगलों में रहा है ये। और अब इसने ब्रोक लेसनर को भी चुनौती दी है। और जो आजकल जो पहलवान पाउडर खा गए अपना अपने नू दिखा ब्रेन किए कर लिया, टीके लगा क्रिएटिन खा गए, प्री वर्कआउट ले गए, इसका प्री वर्कआउट है गोमूत्र। देख लो भाई जोर से, बड़े बड़े और मोटे मोटे डब्बे खाओ ना प्रोटीन के, वो प्रोटीन का थारा असर देख लियो, अरियो गोमूत्र का असर देख लियो। 16 साल तक जंगला में रहने लग रहे हैं सिर्फ इसका। एक बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ अंकिता जी, इसने 5 करोड़ के ऑफर को ठोकर मारी अभी एक एनर्जी ड्रिंक कंपनी थी। हाँ। क्योंकि अमेरिका से कंपनी आई थी इसको टेस्ट करने, इसका भाई इतना एनर्जी कहाँ से आती है, भाई 5 घंटे के वर्कआउट के बाद इसके एनर्जी लेवल डबल हो जाता है। हाँ। तो इसके टेस्ट करेंगे। हाँ। तो उस टेस्ट में ये पाया भाई इसने कभी जिंदगी में जंक फूड नहीं खाया। हाँ। और अपने जो इसका देखो पुरुष की ताकत होती है वीर्य। हाँ। वीर्य की एक बूंद भी इसने खराब नहीं होने दी आज तक, अखंड ब्रह्मचारी है, बाल अखंड बाल ब्रह्मचारी है। अच्छा। और ये बच्चों के लिए बहुत काम की चीज है, नौजवानों के लिए बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात इसने क्या है, उस वीर्य को अंदर ही तपा लिया। हाँ। ये हो गया वीर्यवान। हाँ हाँ। और पसीने मेहनत के पसीने से नहाने वाला देसी फौलाद है ये, देसी टार्जन। आज पूरे हरियाणा में टार्जन टार्जन हो रही है, टार्जन टार्जन बोलो भाई, पर टार्जन टार्जन बिल्कुल भाई, ये बात सच्ची है। कभी देखा इसे किसी को सपाटे मारते हुए? नो, कभी नहीं देखा। नहीं देखा। इतनी एनर्जी है? नहीं है। इतनी एनर्जी से बोल सकते हो? बोल के दिखा दो फिर फटाफट से। टार्जन 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 टार्जन। भाई कमाल की बात है, 8100 सपाटे जो है लाइव मार के दिखा रखे हैं पूरा। हाँ हाँ। इसने अपनी नेचुरल जो, क्योंकि कुछ लोग कहते थे भी जिम मार के इसने वो बनाया है। हाँ। हम ये भी दावा करें इन्हें कभी जिम नहीं मारी। हाँ। ये पेटों में लटक लटक के अपने शरीर को डेवलप करे। हाँ। आप कैमरे पे देखो इसकी बॉडी ने नेचुरल जो मेहनत है उसने शेर का रूप ले लिया है। हाँ। ये आप देखो शेर का मुख बन गया, आप देखो इसमें सामने तस्वीर में बिल्कुल शेर बना हुआ है, ये ध्यान से देखो। इंजेक्शन लगाया तभी। हाँ। नहीं मिलती लोगों ने, जिम में कुछ 6 घंटे लगा लो 8 घंटे लगा लो लेकिन यहाँ नेचुरल जो है जंगला में रह के मेहनत करो। और कमाल की बात एक और, अनाज नहीं खांदे भाई आप और मैं, फास्ट फूड भी ना नहीं रह सकते, यो बंदा यो अनाज भी नहीं खावे, टोटल फल फ्रूट जो जंगला में मिले हैं। ये फैट जीरो है, जीरो फैट है, जीरो फैट। हाँ, जीरो फैट है, बहुत बड़ी बात है भाई। और देख लो कितने देर तक थारे शामी जो है सपाटे मार लग रहे, गिनती कुलाबादी करवानी है इनकी भाई, कुलाबादी भी करवा के दिखाएंगे, कुलाबादी एक बार करके दिखा दो। और ये सिक्स पैक भी दिखाएं, सिक्स पैक कौन इसके है, सिक्स पैक कौन है, मेरे ख्याल 8 पैक पाऊंगे, एक दर्जन है, 12 है, 12 पैक का 12 पैक है ये, इस फोटो में भी दिखने लग रहा है जो इसकी जो चलिए
जबरदस्त भाई। अरे वे तो नमूना शुरू होया है, इवे तो काम सारे करवावांगे, इवे तो हम जो है वैसे यार अच्छा ची 11 घंटे दिन तक दे। बिल्कुल ये लाइव चला है वो सीधे प्रत्यक्ष है अंकिता जी, और ये कह रहे अभी यदि गाय माता को राष्ट्र माता का दर्जा देते हो, घोषित करते हो और गो दिवस का लागू करते हो, गाय को राष्ट्र माता का दर्जा देते हो, 50,000 सपाटे लगाएगा, 50,000 बड़ी बात है। वो देख लो भाई एक बार, और इसका इसका शरीर चारों तरफ से घुमा के एक बार दिखा दो भाई, नजदीक जाके एक बार कैमरा दिखा दो। अंकिता जी आपको ऐसा लगेगा जैसे समुद्र में मछलियां तैर रही है, सारे शरीर में कट है इसके। बिल्कुल और ये देख लो भाई फिलहाल जो है हम देखोगे अमित साइड हो जाओ अब जो है, और ये देख लो भाई जबरदस्त क्या बात है, ये बॉडी है और ये शेयर कर दो भाई, वीडियो दबा के शेयर कर दो। और ये देख लो कि भाई ये शरीर है तपाईड़ा फुलाद की डाल तपाईड़ा, ये शरीर है टार्जन देसी टार्जन सपाटा मशीन किसे भी नाम से जानते होगे। और ये संजय पहलवान, ये देख लो भाई, ये देख लो आप, ये आप गिन सकते हो और ये अपने आप में एक बड़ी चीज, और ये शेर बने हुआ है यहाँ, ये शेर का मुख बने हुआ है, देखो शेर का मेहनत कितने कितने दिखने लग रही है। यह बॉडी है भाई जीरो फैट की, एक बार जो है थोड़ा सा ऊपर के जंप भी मार के दिखाऊंगे। अरे ये देख ले भाई, अरे थोड़ा सा स्पेस दे दो भाई, साइड से हट जाओ, आगे से हट जाओ। और ये देखो भाई करे शुरू, बिल्कुल एक दो साइड हो जाओ भाई, थोड़ा स्पेस दो ताकि जाएंगे, एक दो तीन, और क्या बात है ये देखो भाई, है इतनी एनर्जी, इतनी जबरदस्त जंप, साइड हटो साइड हटो, क्या बात है भाई। यह प्रेरणा है उन युवा खातर जो आज नशे की जो है गर्त में जा लिए हैं, और ये देखो कि कितनी दूर तक तकरीबन लगातार ताली जबरदस्त बढ़ाए भाई, 11 घंटा लग नॉन स्टॉप वर्कआउट, नॉन स्टॉप 11 घंटा लग, और 50,000 फुर्ती, बिल्कुल क्या बात है, चाल नहीं सकता इतनी स्पीड से, जितनी स्पीड से जो है सपाटे लगने लग रहे हैं। और ये देखो भाई राउंड वाला करना है भाई, राउंड वाला राउंड वाला नीचे राउंड लेफ्ट राइट गैप दो भाई, थोड़ा स्पेस दो, स्पेस दो, निकाल लो इनको, निकाल लो आप, निकालना चाहते हो ईट है नीचे, कोई बात नहीं भाई, वीडियो जितने लोग देख रहे हैं मेहनत खाता फटाफट जो है दबा के वीडियो शेयर कर दो भाई, वीडियो बिल्कुल ऐसा लगा रखा जैसे पत्थर लगा हुआ है। अच्छा, देखेंगे सारी चीज देखेंगे भाई, वीडियो दबा के शेयर कर दो, जो हम देखा लग रहे हो सिर्फ एक न्यूज पे, सपाटा मशीन जो है आज हिसार में पहुंची है संजय पहलवान या देसी टार्जन के नाम से जिनके जाना जा रहा है। और ये देख लो फूर्ती क्या बात है, ये सपाटा के तरीके और इतनी फुर्ती के लर कंटिन्यूअसली 20-25 मिनट से, तो एक सेकंड खतर भी नहीं रुके हैं, 20-25 मिनट से मैं लगातार देखने लग रही हूँ। हाँ जी, इतनी है इतनी एनर्जी आजकल के युवाओं में, ना ना जी मुश्किल मिलेगी है, मोटिवेशन जबरदस्त, विश्वास होने लग रहे इतने सपाटे, 8,100 सपाटे एक बार में, बिल्कुल। तो भाई ये देख लो, और भैया वाकई यह मतलब यह नस्ल आड़े फास्ट फूड खाने की मिल नहीं सकती, या जंगल में पास के है, जंगल का डीएनए है, ये जंगल का डीएनए। और जो रिपोर्ट जो टेस्टिस के ऊपर हुए थे, अभी अमेरिका से टीम आई थी अहमदाबाद में टेस्ट हुए इसके, उसमें ये बात साबित हुई है भाई, इसके अंदर स्टेमिना अच्छे ज्यादा है। अच्छा, हाँ उसका फिर ये चीज निकल के आई कि भी इसे कोई जंक फूड निकाल, अनाज भी नहीं खाता ये, अनाज भी नहीं, रोटी नहीं खाता ये, फल फ्रूट पेड़ की पत्तियां खाता ये, और ये पत्ते, हाँ पत्ते खा जाएगा ये। कल वो मैं बता रहा था इसको 2-3 दिन से मीडिया में ये गौमूत्र पी नहीं पाया, तो बोला जी मेरे तो एनर्जी डाउन होती है ऐसे, तो मेरे को जंगल याद आ रहा है, मैं भयाड़ा, फिर वो एमडी यूनिवर्सिटी के सामने एक पेड़ था, उस पेड़ पर चढ़ गया, वहाँ पत्ते खाए इसने, फिर पत्ते खा के एनर्जी ली इसने अपनी, बहुत ताली बजा दो, ताली बजा दो जबरदस्त। और भाई ये पसीना देख लो, ये भी देख लो, धरती पर पसीना जो है खिलना शुरू हो गया, ये जड़े हाथ टिके हैं, ये देख लो भाई, एक लाख की, एक लाख, ये एक लाख की पुशअप, और एक लाख की गया, एक लाख की पुशअप है, क्योंकि इतना मेहनत की कोनी, एक अरब खरब की है भाई, इतनी मेहनत, बिल्कुल। ये देखो आप, और अब ये उठ, ये तो फ्लाई वाले देगा ना, अब इसके देखियो भाई, सारे भाई खड़े युवा साथी, देखियो मसल शाकाहारी की मसल, एक बार कमर सा मसल दिखा दो भाई अमित, एक बार देख लो कमर सा मसल देख लो भाई, थारी भी है क्या, नहीं चाहे जिम मार लो चाहे योगा कर लो, इतनी जबरदस्त मसल कोनी मिलेंगी, कितने नहीं मिलेंगी भाई, सारा शरीर जैसे समुद्र में मछलियां तैर रही है, बिल्कुल तैर रही है भाई, वाकई
थकान बिल्कुल नहीं होती, थकान का कोई चक्कर नहीं, थका इनका तो जितना ज्यादा करेंगे नहीं उतनी इसकी पावर बढ़े है। हाँ हाँ। ये है इसमें खास बात, इसीलिए तो बिरला है भाई। वाकई जोरदार ताली और भाई सैल्यूट है, इतनी मेहनत रहे कदर नहीं देखी थी जिंदगी में, पहली बार इतनी मेहनत देखी है, कोई पहला ऐसा बंदा है। और ये देखो स्पीड, टार्ज़न 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 भाई, इतनी जबरदस्त स्पीड कदर भी नहीं देखी थी। चलो कोई बात नहीं, एक पेड़ पेड़ पर चढ़ के दिखा सकते हो, आ जाओ एक बार पीछे, चलो हटो भाई साइड में हटो, ये देखो भाई हटो 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 हटो। तो भाई ये पेड़ है शामी, क्योंकि भाई खास पसीना एक बार दिखा दे भाई अमित, पसीना कितना जबरदस्त है वो थम बॉडी पर देखने लग रहे हो। और भाई क्यों, क्योंकि पेड़ा पे रहनी है इंसान, पेड़ा पे टार्जन की तरीके से रहनी है इंसान जो है वो मान्यता है। और एक बार पेड़ पर चढ़ के दे जो थमने दिखाने लग रहे हैं, और ये देखो भाई फुर्ती कितनी है बॉडी के अंदर, और किस तरीके से पेड़ पर चढ़ेगा, कितनी स्पीड से चढ़ेगा, वो चार तारे जो है साथ साथ में देख लियो। ए भगवान, ये तो जंगल में जो कर जानवर होया करे ना, यूं बिल्कुल पेटा ना यूं वो करने लग रहे हैं, साफ करने लग रहे हैं। और वाकई भाई जंगल की ट्रेनिंग जो है साफ साफ दिखने लग रहे हैं। ओह माय गॉड, वीडियो शेयर कर दो भाई, वीडियो शेयर कर दो थोड़ा सा ध्यान से। ओए पाछा ले पड़ जा फिर गवा, अरे यो देख लो भाई गजब का सीन है, गजब का सीन है। और ये देख लो मैं बिल्कुल टार्जन नहीं डाल चुका, बिल्ली चढ़ के पेड़ पे नहीं डांक मारा कर, एग्जैक्ट वैसे चोटी पे पहुंच गया। और ये देख लो भाई, और यो पेड़ हटा दिया, अयो भाई साहब वाकई जो है और चेहरे देख लो भाई सबके क्यूकर ऊपर है। वीडियो दबा के शेयर कर दो भाई, इसका जो है टैलेंट शायद थामना नहीं दिखेगा। हरियाणा का ये छोरा जबरदस्त जो है बॉडी जिसने बनाई है रेवाड़ी के अंदर है। हाँ जी कितने देखे पिल करो, इसको देख के कोई भाई ऐसा ना हो, बिल्कुल आप बिल्कुल ये एक्सपर्ट है, ये तजुर्बा इसको जंगलों का, एग्जैक्टली आप इसको देख के घर में कोई बच्चा ऐसे ना करियो भाई, बिल्कुल भाई 16-17 साल जंगल में रह रहा है, इन्हें पेड़ा पर लटक लटक के बड़ा होया है, हुरलक पहुंचा है। लेकिन थारी ट्रेनिंग इस चीज की नहीं है भाई, घर पे या इन्हें देख के कितने भी यह चीज दोबारा ट्राई ना करियो, क्योंकि अगर तुम गिरे तो चोट बहुत करनी लगेगी। और इतनी प्रैक्टिस जो है वह थारी हो नहीं सके, तो कोशिश ना करियो इस तरीके से पेड़ पर चढ़ने की। बस 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 और ये देखो भाई क्या बात है, क्या बात है, क्या बात भाई, जबरदस्त जोरदार तालियां। और ये देखो भाई और अभी तो भाई वर्कआउट शुरू होया है, और वर्कआउट जो है भाई कंटिन्यूअसली चलने वाला है। और ये देख लो भाई वार्म अप भी नहीं होया है, तो 5000 वीडियो के बाद वार्म अप होगा। और भाई बच्चों एक बार साइड में हो जाओ, साइड में हो जाओ, ठीक है ले लो। और भाई ये देख लो लगातार लगातार इतने सपाटे शायद कोई नहीं मार सके है, और ये जो है मार दिए हैं। और ये रेस्ट करने का तरीका, ये देखो भाई क्या बात है, गौ माता की जय। एक बार और ले लो ये, गौ माता की जय। और भाई गौ माता का तर खास भगत है, गौ माता का कहना वाला भगत नहीं है, जो सा फेसबुक पे भगत बन जाए ना बोला गौ माता के भगत है, गौ माता के बेटे हैं, वो वाला फेसबुक या भगत नहीं है, हकीकत का भगत है। एक डिमांड है कि भाई गौ माता का दिन जो है दिवस मनाया जावे गौ माता का, और उसका तर 50,000 सपाटे भी मारने की कोई कहोगा ने तो चैलेंज जो है मैं एक्सेप्ट करूंगा, डेड सर्टिफिकेट को पर साइन करके 50,000 सर्टिफिकेट जो है मैं सपाटे मारूंगा, और राष्ट्र पशु जो है गौ माता थी बनाया जा। फुर्ती देख लो, इतने इतने वर्कआउट के बाद भी
एक बार वो फ्लाई वाला लेना भाई, फ्लाई वाला साइड का ये समय, ये देखो ये जो खुशी आप एक बार देखो, इतनी प्रैक्टिस इतने वर्कआउट के बाद भी चेहरे पे स्माइल है, बिल्कुल है, सिकन है कोई इसके चेहरे पे, कोई सिकन नहीं, और पसीना आया देख लो क्यों कर चालन लग रहे भाई। सबसे गलती है मेरी, ओढ़ मत करना, ये मेरे लगती रहती है ऐसे ना, ये छिलता रहता हूँ, देख सकते, दर्द नहीं होता, डेली का काम है, और छिलता रहता हूँ, गिरता रहता हूँ ऊपर से ना, मेरी टांग भी टूटी हुई है कई बार लगा हुआ इसमें, और जगह भी, तो मेरी ओढ़ तो करना मत, ठीक है, ऐसा चलता रहता डेली ना। अच्छा मेरी ओढ़ करना मत। ये देख लो भाई, हाथ में खून आ गया, पैर पे खून आ गया, पेट की खरा जो खरोंच बोला गया, नुके बेला दर्द नहीं होता, रोज की आदत हो रही है, गजब भाई। आज गौ माता खातर इतना भगत, इतना प्रेम, साइड हो जाओ, स्पेस दे दो, स्पेस दो, थोड़ा पीछे हो जाओ, दो स्टेप हो जाएगी उसके बाद, एक तो साइड का बट फ्लाई का लग का एक आगे का ऐसे उछल उछल के करते ना, एक आगे का, ठीक है। और भाई जबरदस्त, गौ माता खातर, इस मेहनत खातर, इन सपाटिया खातर वीडियो शेयर कर दियो भाई, यार कमेंट में जरूर लिख दियो, और भाई जबरदस्त, फिर तो एक बार मारा नारा, गौ माता की जय, गौ माता की जय। मजा नहीं आया, जितनी मेहनत इस लड़के ने की उतनी थर जोर, मतलब आवाज आई नहीं, जोरदार, जितना जोर है सारे खिलाड़ी हो, गौ माता की जय, क्या बात है, गौ माता की जय। तो भाई यह वीडियो जो है स्पेशल इसे बात खाता रेडियो मोटिवेशन है और चैलेंज है भाई पूरी दुनिया में कि कोई जो है सपाटा में हार के हरा के दिखाओ। ये दूसरा स्टाइल है, ये देखो भाई फ्लाइंग स्टाइल, यो देख लो, इतने डाल के सपाटे सोचे नहीं जाते जितने मार के दिखा दिए बस। और भाई ये देख लो, बहुत खूब, बहुत खूब। चलो दो मिनट बात कर ले, हमें यू बताओ खाते क्या हो? हाँ हाँ, बहुत गजब भाई, मतलब आके आंखा पे विश्वास नहीं होने लग रहा है कि इतनी फुर्ती, इतना सपाटे को मार भी सके है कि नहीं मार सके। अरे चलो बातचीत कर ले, मैंने यू बता दो खाया के करो? देखो मैं केवल गौ माता गौमूत्र और दूध से बनी खीर का ही सेवन करता हूँ, दूध से बनी खीर और गौमूत्र। हाँ, और हमारे गुरु जी गोपाल मणि महाराज जी, जिनका उद्देश्य है गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान दिलाना, और अखंड बाल ब्रह्मचारी आचार्य आर्य नरेश जी, जिनके गुरुकुल में रहकर मैंने ये सारी चीजें, जंगलों में रहना और पशु पक्षियों से प्रेम करना, अगर कोई चेटी को भी मारे मुझे दर्द होता है, क्योंकि वो मेरे अपने हैं और मैं जंगल में रहता हूँ, बाकी मैंने आज तक किसी को भी, हाँ कोई मुझे मार जाए जानवर तो मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन जानवर को मारना मैं उचित नहीं समझता। क्या बात है? और गौ माता गौमूत्र दूध पीना, और हमारे देसी पत्रकार भाई कर्मू का मैं हृदय के साथ प्रणाम करूंगा, एक बार आपसे भी कहूंगा भाई कर्मू के लिए, बहन जी के लिए जोरदार तालियां। बिल्कुल मेरे लिए ना सही, लेकिन सर वाकई इस चीज का, क्योंकि भाई देखो हमारे तो जितना सारा लगन लग रहा है हम लगाने लग रहे हैं, लेकिन स्पेशल मोटिवेट करने लग रहे हैं अंकिता जी, सब पत्रकार भाई का नैतिक और सामाजिक कर्तव्य है, बिल्कुल है, आज की यूथ का, यंग जनरेशन का कर्तव्य है, कल को आने वाली जो पीढ़ी होगी वह कम दम नू तो देखेगी भाई 2023 के पत्रकार थे जो उस टाइम के, उन अपना नैतिक और सामाजिक कर्तव्य निभाया है। बिल्कुल। दूसरी बात, ये इंस्पिरेशन है यूथ के लिए, क्योंकि आज का यूथ ऊत गणा हो रहा है, यूथ नहीं रहा ऊत हो गया, बिल्कुल, तो यदि इससे कुछ सीखने मिल गया, आने वाली पीढ़ी नू कहूंगी यू सिखाया गया, और गौ की जो एक पूरी एक गाय पूरा देश ने पालेगी, पूरा देश मिलकर गाय ने निपाल रहा। हाँ सही बात। और धक्का सड़क में धक्के खाओ, गाड़ खाओ, पोलथिन खाओ, आया कंगड़ लोहा लंगन पे रहने के खाना पड़ रहा है, रे रे माटी पिरान माटी पदीन माटी बंके धड़े खाएंगे। तो इसका सपना है गाय को राष्ट्र माता का दर्जा मिले, और मेरे ख्याल से सारे भाई साहब ने हो गए भाई, गौ को राष्ट्र माता का दर्जा मिलना चाहिए कि नहीं भाई? मिलना चाहिए, हाथ खड़ा करके बताओ भाई, ये सबकी समर्थन है गाय को राष्ट्र माता, और मेरी भी समर्थन है, मेरे का भी दिखा दे हाथ, दोनों खड़े हैं भाई, सब बिल्कुल होना चाहिए। और भाई वाकई, और इस वीडियो में मैं एक बात बता दूं भाई, या मेहनत या परिश्रम देख के जे दो बालका की भी जिंदगी सुधर गिने, न्यू मान के चलो मेरा पूरा साल न्यू बन गया भाई। कहता हूँ पिताजी, एक जिला में एक तर्जन पैदा हो जानी,
तो मैं कोई राजनीति जरूरत कौन पड़े, ये अपने आप प्रभाव छोड़ते चलेंगे। बिल्कुल छोड़ दे। लोग है नी, लोग कहते हैं भाई किताबों से नहीं सीखते, व्यवहार से सीखते हैं। इसका व्यवहार से सीख लेंगे, इसकी दिनचर्या से सीख लेंगे, इसकी इसकी जिंदा दिली जिंदा जमीरी और देशभक्ति गाय भक्ति सीख लेंगे, और फुल चार्ज चलाने वाला की आत्मा सोचा तो कहाँ मिलेगी। ये है इसमें वो आत्मा रही है, बिल्कुल आ रही है। चलो इनसे बातचीत कर लिया, ये बताओ खाओ पियो तो कुछ नहीं। खैर एक बार में कितने सपाटे आज तक, मतलब बिना रिकॉर्ड के बिना वीडियो के, कब कितने मारे हो? एक बार हाथ दर पीछे मैं 2500 मार सकता हूँ। एक बार हाथ बिना, एक बार हाथ दर पीछे और ऐसे। अच्छा सपटे और सपाटे में फर्क होता है। एक बार सपटे मार के दिखा दो और फिर सपाटे मार के दिखा दो, थोड़ा स्पेस दे दो भाई। सपटे कितने मार सकते हो लगातार? ये सपटे ये सपटे ये सपटे अधूरा, ये पूरे कंप्लीट खड़े हो ना, बीच से ही वापस आ रहे हो। ये सपटे ये सपटे ये कितने मार सकते हैं एक बार में? ये तो मैं मारूंगा ही नहीं, क्योंकि नकली चीज है ना। नकली चीज है भाई साहब, ट्रेंड इतना तकड़ा हो रहा है, ये नकली बताने लग रहा है। ओरिजिनल भी मार के दिखा दो फिर। ऐसा मार सकता हूँ, ये पूरा कंप्लीट सपाटा है। क्या बात है, ना तो ये सपटे लगाता ना सपटी लगाता। हाँ पूरे सपाटे मारे हैं, सपाटा लगाते हैं। क्योंकि किसी भी चीज को करो तो फिर शिद्दत से करो। बिल्कुल, कोई काम करना ना करना, उल्टा करना, उल्टा करने से अच्छा तो ना करो, करो तो फिर सही करो। बिल्कुल भाई, सब वीडियो दबा के शेयर कर दियो मेरे स्टाइल में, रेखा पड़ा अपना स्टाइल में भाई। इस वीडियो ने जाना सेना छोड़ चिंता बड़ा छोटा बुढ़ा ठेरा, अगर पड़ोसी मित्र प्यारा आस पास है नेड़ा तेड़ा ही गाऊंगा, दाएं बाएं आगे पीछे ऊपर नीचे आड़े उड़े नहर नहर बहर बहर सुटन सुट टापो टाप भागो भाग शेर सवा शेर बबर शेर करती हूँ। क्या बात है, और भाई दोबारा मेरे स्टाइल में दबा के शेयर करती हूँ, दोनों आता है ठीक है। हाँ जमा बक्कर था तार दो, और भाई जुड़े रहियो सिटी बिग न्यूज से, तेरी और टैलेंट भी मोटिवेट करना छोड़ा नहीं है, आगे भी न्यूज प्रमोट करते रहेंगे। सिर्फ यो नहीं बल्कि भाई साहब जितना टैलेंट उभर के होगा, जितनी यूथ उभर के होगी उतना प्रमोट कराएंगे, क्योंकि भाई सीधा सा मोटिवेशन एक है कि एक बालक की जिंदगी सुधरी तो यूं लगा लो कि मारा पूरा साल का काम करोड़ जो है मारा नहीं हो जाएगी तसली, भाई एक बालक की जिंदगी सुधार दी है। और भाई दबा के शेयर करती हूँ कि उसके थारे शेयर तक किसी की जिंदगी सुधर जाए, किसी का जो है कुछ मोटिवेशन मिल जाए। या वीडियो है ना कार्जन की जो पीछे की जो जटाएं हैं, हाँ हाँ वो दिखा दो भाई। अरे जटा जंगल पूरा जंगली है, मतलब न्यू नहीं है कि मेहनत ही मेहनत जंगली है। जंगल जंगल बात चली है, पता चला है ये मोगली भी है, बिल्कुल पक्का मोगली है। और जितने भी नौजवान हैं, नौजवान युवा युवती विद्यार्थी है, एथलीट है यहाँ पर मौजूद, जितने भी एथलीट मौजूद है यहाँ पर, हमारे आदरणीय बड़े भाई है, माताएं बहने हैं यहाँ पर, उनको मैं इतना ही कहूँगा कि आपके संस्कार आपको माता पिता से मिलेंगे, गुरु आचार्य से मिलेंगे, और सबसे बड़े संस्कार देने वाली कामधेनु गौ माता है, उसके गोमूत्र दूध को पीकर आप महान बुद्धिमान बनेंगे। चलिए बहुत बढ़िया बात भाई, बहुत बड़ी सीख और बहुत बढ़िया सीख। अंकिता जी मैं आपका भी धन्यवाद करूंगा, क्योंकि हमने एक अपील करी थी मेरे पत्रकार साथियों से, भाई ये एक गो भक्त है और हमारा सबका फर्ज है, आप हमारी एक आवाज पे जैसे बहुत अच्छा लगा, और इसके लिए आपका धन्यवाद सर। मेरा धर्म है, मेरा कर्म है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और ये हम भी कोई एहसान नहीं कर रहे इसके ऊपर, हमारा फर्ज निभा रहे हैं, फर्ज बना रहे हैं। हाँ और ना हम गाय पे एहसान कर रहे, कोई गाय को बचाना हमारा फर्ज है। बड़े हाँ ही नहीं करें, हाँ, ये हमारा फर्ज निभा रहे, माँ का फर्ज कर्ज और फर्ज निभा रहे। बिल्कुल भाई सच बात है, गांव की माँ वो गौ माँ, बिल्कुल है भाई। और भाई मार से जितना बड़ा हम बन पड़े हमने करा है, थार से जितना बन पड़े उतना थम करियो, और भाई शेयर करेंगे बिल्कुल करना चाहिए, और नहीं करेंगे तो फिर तारवर का नाल आएगी भी कोई नहीं। चलो भाई फिलहाल जो है राम राम, दोबारा जुड़ूंगी दोबारा मिलूंगी, पकते हुए मेहनत के पसीने फौलाद के, देखो भाई टपक 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 टपक, ये मेहनत का पसीना है, ये बिल्कुल है, ये तापड़ तोड़ मेहनत का पसीने में नहाने वाला ये फौलाद है। चलो